मैम पेज नंबर मैम पेज नंबर 26 खुशबू सेकंड पैराग्राफ खुशबू बिगिन करो बेटा ओके मैम I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. Flailed ka underline karke meaning likhiye. Moved helpless. Flailed is moved helplessly. Iski background ke andar se itni noise aa rahi hai. Mam kuch samajh nahi aa raha background mein itna बेटा म्यूट कर लो सिर्फ खुशबू का रहने दीजिए बाकी सब प्लीज म्यूट कर लो करो अभी आएगा बेटा समझ में खुशबू दोबारा से रीड कर बच्चे ओके मैम आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वालोड एंड चोक्ड हेल्पलेसली आई वाज इन द वाटर मैं 9 feet डीप में मुझे बिग ब्रूजर ऑफ द बॉय उसने मुझे फेंक दिया था कल हमने ये यहाँ तक देखा था कि किस तरह से उसको बुली करने के लिए he had been thrown so I was flailing in water flailing is moving in a helpless manner पानी जो था वो मैं swallow करता जा रहा था और मैं choke हो रहा था suffocate हो रहा था breathless हो रहा था मैं continue please I tried to bring my legs up But they hung as dead weight, paralyzed and rigid. मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी legs को control करके मैं move कर पाऊँ ऊपर लेकर आऊँ लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी legs नहीं है जैसे कि वो dead weight है मेरी body के साथ में tie करे हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं paralyzed हो गया हूँ lifeless हो गया हूँ मैं जैसे कि इनफ्लेक्सिबल हूँ रिजिड हो गया हूँ मेरी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही A great force was pulling me under. कौन सी ऐसी वाली फोर्स होती है जो हमें नीचे पुल करती रहती है ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें पुल करती है उसको भी नीचे पुल करी जा रही थी ग्रेविटी I screamed, but only the water heard me. मैंने shout करा, scream करा, पर लेकिन मेरी आवाज मेरे throat के अंदर frozen थी. किसी को नहीं सुनाई दे रही थी मेरी आवाज, और सिर्फ पानी को शायद मेरी आवाज सुनाई दे रही हो. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैंने फिर से नीचे 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 मैं जाता जा रहा हूँ. लॉन्ग जर्नी हमने कल ये वाली बात को भी देखा था कि क्या कैसा हो रहा था 9 feet 90 feet के जैसे लग रहे थे yes? उसको अभी स्विमिंग आती ही नहीं है अभी तो वो बिगिनर है अभी तो उसने वाटर विंग्स परचेज करके 2-3 days जाना शुरू किया उसको ऑलरेडी बचपन से लेकर हाइड्रोफोबिया था डिस्पाइट दैट क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो गई उसके लिए सो नेक्स्ट नाउ बलजीत सिंह आप रीड करिए बेटा आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एज इरेसिस्टिबल फोर्स मैंने क्या किया पानी के अंदर ऊपर आने के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी जो मैंने प्लान सोचा था मैंने सुप्रीत मैंने पानी के ऊपर स्ट्राइक किया बहुत जोर से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंड करने के लिए और मैं ऐसे मैंने फाइट करी जैसे कि कोई बैड ड्रीम नाइटमेयर के अंदर फाइट करी जाती है इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रेथ माय लंग्स एक माय हेड थ्रॉबड बलजीत थ्रॉब्ड ओके वेट मेरी बारी है बेटा आफ्टर एवरी फुल स्टॉप टू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस
आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. मेरी जो सांस थी जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट नेसेसरी है वो मुझे खत्म हो गया था मेरा. और मेरे लंग्स जो थे वो इतने पानी से स्वोलन थे दैट दे हैड स्टार्टेड पेनिंग. एक पेन मेरा हेड जो था वो इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा था, थ्रॉब हो रहा था, अनबियरेबल पेन हो रही थी मेरे हेड के अंदर. I was getting dizzy. डिजी होता है चक्कर आना, गिडी. मेरे को ऐसे लग रहा था सब कुछ घूम रहा है. But I remembered this strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. मुझे लेकिन अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान याद था. क्या था मेरा प्लान? कि मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाके मैं बॉटम को हिट करूंगा जोर से और मैं ऊपर आ जाऊंगा कॉर्क की तरह सरफेस पे. क्या ऐसा होएगा या नहीं होएगा? दिलप्रीत, दिलप्रीत आंसर करना है सिर्फ ये वाले क्वेश्चन का. मैम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम जो उसके ऊपर पानी जो ओवरलैप हो चुका है वो उसके फोर्स को ओवरकम करेगा, उसको नीचे की तरफ धकेलेगा जब वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा. क्योंकि उसकी बॉडी कॉर्क की तरह लाइट नहीं है कि वो ऐसे करेगा और ऊपर आ जाएगी. बॉडी का अपना वेट है. बलजीत प्लीज कंटिन्यू. बच्चे वंडरफुल, वेरी नाइस. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स एंड थ्रैश विद माय लेग्स. आई रिमेंबर्ड दी स्ट्रेटजी कि मैं स्प्रिंग करूंगा बॉटम ऑफ द पूल और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा. मैं वॉटर में फ्लैट लाई करूंगा, स्ट्राइक आउट करूंगा अपनी आर्म्स के साथ. थ्रैश करना इज हिट करना. थ्रैश हिट, अपनी लेग्स के साथ हिट करूंगा और फिर मैं पूल के एज पे, एज होता है कॉर्नर पे आ जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा. बलजीत कंटिन्यू. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वॉटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वॉटर दैट वन कुड Not see through. मैं नीचे 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 जाता गया, down down endlessly. मैंने अपना eyes open करने की कोशिश करी, पर मुझे कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा था. Nothing. क्या मुझे नजर आ रहा था? Water with a yellow glow. Dark water. ऐसा वाला water जिसमें से हम see through नहीं कर सकते. Jasprit Singh, 12th B. Yellow क्यों था water? There was sunlight and second his eyes were filled with water. Very nice. And he was feeling giddy. He was dizzy. Yes, sir. And that is, it does not give you the clarity of the thing. Okay, 2 marks ka ye question hai bacho, class 12th. Aage Jasprit, read bhi karo bete. Yes, ma'am. I went down and then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. So, sheer, utter, U-T-T-E-R, stark, absolute, terror, fear, seized, captured, controlled, डर ने मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया, जकड़ लिया. ऐसा डर, ऐसा टेरर जिसमें कोई भी बात समझ में नहीं आती, ऐसा टेरर जिसमें कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसा टेरर जो कोई वही समझ सकता है जिसने कभी भी ऐसे टेरर को एक्सपीरियंस किया हो, अदरवाइज नहीं कोई भी समझ सकता. I was shrieking underwater. मैं शाउट कर रहा था, श्रीक कर रहा था, स्क्रीम कर रहा था अंडर वॉटर. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वॉटर, स्टिफ, रिजिड विद फियर. मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बॉडी लाइफलेस हो गई है, पैरालाइज हो गई है अंडर वॉटर, स्टिफ हो गई है, रिजिड हो गई है. रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, मूव नहीं कर रही. और क्यों ऐसा हो गया? टेरर की वजह से, फियर की वजह से. Even the screams in my throat were frozen. मैं जो shout कर रहा था, मेरी frozen हो गई थी screams डर के मारे. I was shouting from my own side, but then
no sound was coming out. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Mera heart beat kar raha tha, mere head ke andar throbbing pain thi. Extreme pain thi, pounding thi. Pounding is extreme pain. जिससे मुझे ये पता लग रहा था कि अभी मैं डेड नहीं हुआ, अभी भी मैं अलाइव हूँ. हरकीरत कौर, प्लीज रीड. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. जब ये वाला पूरा डर था माइंड ने फिर भी रीजन, रैशनल लॉजिक से सोचने की कोशिश करी कि अब ये सिचुएशन है, मैं परेशान हूं, पता नहीं क्या होएगा, मैं क्या करूं. I must remember to jump when I hit the bottom. मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे जंप करना है और जोर से हिट करना है बॉटम को. My mind was saying this. At last, I felt the tiles under me. मैं नीचे पहुंच गया और मैंने मेरे पैर ने टाइल्स को फील करा कि पैरों के नीचे टाइल्स आ गई हैं. My toes reached out as to grab them. मेरे जो टोज थे वो रीच आउट कर रहे थे उनको ग्रैब करने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए. I jumped with everything I had. Everything I had मतलब पूरा लिख लो बेटा, जितनी मेरे में स्ट्रेंथ थी मैंने उस पूरी स्ट्रेंथ को लगाकर जंप करने की कोशिश करी. मैम, यस बेटा, यस बच्चे, मैम ये सेकंड टाइम है कि वो दोबारा जंप करने लगा बेटा. हाँ जी बेटा, वो थ्री टाइम्स ट्राई करेगा. ओके, थैंक यू. ओके बेटा, पढ़ो. किसको मैंने बोला अभी पढ़ने के लिए बच्चे को? But the jump made no difference. लेकिन जो जंप थी उससे कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ. आगे दूसरा बच्चा पढ़े, अमनप्रीत सिंह. अश्मीत कौर, अश्मीत, जसलीन, प्रीत कौर, सिमरप्रीत, आर यू रीडिंग सिमरप्रीत? इशिता, यस मैम. स्टार्ट बेटा. यस मैम. But the jump made no difference. मैंने जंप करा फिर से, लेकिन उस जंप से कोई भी फर्क नहीं पड़ा. The water was still around me. मेरे आसपास अभी भी water was there. I looked for ropes, ladders, water wings. मैंने कोशिश करी क्या करने के लिए, रोप को, वॉटर विंग्स को, सबको ढूंढने के लिए अपने हाथ से. मैंने कोशिश करी किसी तरह से मुझे वाटर विंग्स मिल जाए. नथिंग बट वाटर. पर मुझे क्या मिला? सिर्फ मेरे को वाटर मिला. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. मास का मीनिंग लिखो कलेक्शन. पानी का ही कलेक्शन था मेरे आसपास. आई वॉज इन द पूल. मैं उसके डीप साइड ऑफ द पूल में हूं. नेचुरली मेरे को सिर्फ क्या मिल रहा है? वाटर. Stark terror took an even deeper hold on me
like a great charge of electricity. Stark, complete, absolute, terror, fear. क्या करा मुझे? Deeper hold on me. मुझे पकड़ लिया पूरी तरह से. डर गया मैं बहुत बुरी तरह से. I shook and trembled with fright. देखो बेटा, जैसे कोई भी beautiful and pretty, this dress is beautiful and pretty. उसी तरह से word को emphasize करने के लिए situation को दो words साथ साथ use करे हुए हैं. I shook and I trembled. क्यों हो रहा था? With fright, with fear, with terror. My arms wouldn't move. मेरी arms move नहीं कर रही थी. मेरी legs move नहीं कर रही थी. I was so scared. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब हम किसको बुलाते हैं? मम्मा को. मैंने कोशिश करी, यहाँ पे भी मेरा मन ऐसा था कि मेरी मम्मा आ जाए कहीं से, but कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. वरुण अरोड़ा, next बच्चा बेटा. वरुण, would you read? वरुण आप पढ़ोगे? नूरदीप? Yes, ma'am. And then strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. क्या हुआ कि strangely, जब कुछ भी नहीं मुझे पता लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, strangely there was light there. और ऐसा लग रहा था कि awful is very bad. मैं उस awful yellow water में से बाहर निकलता जा रहा था. At least my eyes were. My nose was almost out too. आईज जो थी वो मेरी बाहर आ गई और नोज भी बाहर आ गया. Then I started down a third time. Okay, किसी बच्चे ने पूछा था अभी ये वाला क्वेश्चन. अब वो थर्ड टाइम नीचे 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 जाता जा रहा है क्योंकि उसको स्विमिंग तो आती नहीं, उसको तो फ्लोट करना भी नहीं आता, उसको स्विम कहाँ से करना आएगा. अभी तो 2-3 days ही हुए थे उसको YMCA पूल में जाके स्विमिंग सीखते हुए. प्लीज रीड नूरदीप. वेरी गुड. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट. मैंने क्या किया? मैंने सक करा एयर अंदर लेने के लिए, लेकिन क्या आ रहा था अंदर मेरे? वाटर. मुझे टेक्निक नहीं आती थी, मुझे अभी स्विमिंग किसी ने सिखाई नहीं थी कि कैसे मुझे पानी में रहकर भी ब्रीद करना है. और येलोइश लाइट भी फेड होती जा रही थी. खुशबू, यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम, जब उसने कुछ सीखा ही नहीं था तो उसने ये ट्राई क्यों किया? क्या ट्राई किया? वो तो उसको फेंक दिया ना पानी में बिग बुली ने. वो तो वाटर में जाना ही नहीं चाहिए था जब उसने सीखा ही नहीं. बेटा वो तो 2-3 feet डीप में वाटर विंग्स पहनकर अभी कोशिश करने के लिए जा रहा था. बाकी वाले बच्चों को देखकर वो तो अभी जो कम शेलो वाटर के अंदर था, डीप में तो उसने अपने आप थोड़ी गया था. वो डीप में तो उसको बिग बुली ने थ्रो कर दिया था. मैम, बट उसने वाटर विंग्स पहने थे तो वो डूब कैसे रहा था? क्योंकि उसके जो वाटर विंग्स जो थे वो पहने हुए भी डीप के अंदर उसको यूज करना नहीं आता था, अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता था. ओके, थैंक यू मैम. आगे नूरदीप. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. Third time करने के बाद उसकी जितनी भी energy थी वो सारी consume हो गई, खत्म हो गई. Result ये हुआ कि वो faint होना शुरू हो गया. Faint होना शुरू होने से जो भी वो effort कर रहा था वो cease हो गया, stop हो गया effort. He relaxed और उसके लेग्स जो थी वो ऐसे लग रही थी लिम्प. लिम्प का मीनिंग लिखो लाइफलेस. और ब्लैकनेस ने क्या किया? ब्लैकनेस ने पूरा अंधेरा हो गया उसके. स्वीप स्वेप्ट हिज ब्रेन. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful.
अब क्योंकि वो फेंट हो रहा था तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना तो कोई फीलिंग रह गई थी फियर की, ना टेरर की, ना पैनिक की, सब कुछ क्वाइट पीसफुल हो गया था सडनली. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. No more panic was there. Everything seemed quiet and peaceful. There was nothing to be afraid of. Why? Because he was fainting. समझ ही नहीं आ रहा था अब कुछ भी. जो भी ये वाली सारी बात faint होने वाली को एक्सप्रेस करने के लिए ही हैज यूज्ड डॉट्स 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 डॉट्स. सो व्हाट हैपेंड, ही थॉट दैट दिस वाज नाइस क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. ही थॉट ही वाज स्लीपिंग, ही थॉट कि कोई अब जंप करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत टायर्ड हो चुका था ऑलरेडी जंप करके. एक सेंटेंस और है एक्सप्लेन करने के लिए. सो what happened that he was too tired, he thought it was too nice to be carried gently, he thought that he was floating along in space, he thought ki koi mujhe hug kar raha hai, tender arms, kiski tender arms hug kar rahi hai, meri mother ki, and he thought that he must go to sleep. Next bachcha read kare, Gurmeet Kaur, Chetan, jo bhi bachcha next isme se read karna chahta hai wo read kare. I cross to oblivion and the curtain of life tell. बेटे oblivion का meaning लिखो, oblivion. Oblivion का meaning लिखो state of forgetfulness. मैं faint हो गया, मैं कहाँ पहुंच गया, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, कुछ नहीं पता लग रहा मुझे, ऐसे लगा मेरी जिंदगी का curtain जो है वो close हो गया है. And the curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. अब क्या हुआ? Next मुझे जो याद है, वो सिर्फ मुझे ये याद है. उस वक्त वो faint हो गया. Faint होने के बाद उसको कोई लोग उठाकर बाहर ले आए. बाहर लाकर उसको उल्टा लिटाया, ताकि उसने जितना भी water swallow करा था, वो सारा का सारा वो puke करके बाहर निकल जाए. So he remembered. उसको कुछ नहीं याद कि कौन उसको, क्योंकि वो तो faint हो गया था. उसको सिर्फ ये याद है कि वो बाहर जब पहुंच गया उसको उल्टा लिटा दिया अपसाइड डाउन स्टमक नीचे, और वो क्या कर रहा था, he was puking, he was vomiting. Excuse me, the chap, एक बार फिर से oblivion का मतलब बता देना. State of forgetfulness. क्यों मैम, please continue बच्चे. The chap that threw me in the in was saying, but I was only fooling. Someone said, जिस big bully ने मुझे पानी के अंदर उठाकर फेंक दिया था, वो बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ joke कर रहा था. I was just fooling. Fooling is kidding, joking. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. वो ये वाली बात बोल रहा था कि ये बच्चा ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को लॉस्ट कर चुका होता अगर उसको कोई बाहर ना निकालता. एटलीस्ट अब इतने नाइस हो जाओ कि इसको लॉकर रूम तक ले जाने में हेल्प कर दो. प्लीज रीड. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. सो आई शूक एंड कैरीड when I lay on my bed. So what happened, kai hours ke baad maine jab meri itni position ho gayi ki main uth sakta tha, main uth ke bahar gaya aur apne ghar gaya. Main bahut weak tha, meri body due to hydrophobia, due to the feeling of drowning, due to the terror that I had experienced, main puri tarah se kaanp raha tha, ro raha tha apne bed mein. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा सका, और बहुत ऐसा वाला fear जो कि बार-बार हमें follow करता रहता है,
ऐसा वाला फियर जो था वो मेरे मन के अंदर था. जसलीन नांद्रा, प्लीज रीड. जसलीन नांद्रा. Are you reading? Man Simar. Ma'am, okay, ma'am. Ma'am, ek print maine print chali gayi hai. Can you tell me kahan pe kahan se padhna hai? ओके यहाँ से पढ़ो. सेवरल आवर्स लेटर. हाँ. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम. आई वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट. फॉर डेज एंड हॉन्टिंग फियर वाज इन माय हार्ट. द स्लाइटनेस एक्सक्रीशन एक्सर्शन मेकिंग मी एक्सर्शन एक्सर्शन अपसेट मी making me warmly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. Wait, Mansimar. Zara si bhi exertion, slightest exertion, effort of doing something, kya kar deta tha mujhe? Upset kar deta tha. Making me wobbly, wobbly, unsteady. Meri knees jo thi wo stable nahi thi, unsteady thi, wobbly thi. My stomach was sick for days together because of the impact of almost drowning that I had experienced the other day. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. Wait, Siman, Siman, yahi tak hi padhna hai. Main wapis kabhi bhi swimming pool par nahi gaya. Maine kya kiya? Fear kara water. Aur maine water ko avoid kara jab tak क्योंकि हाइड्रोफोबिया ने मुझे ग्रिप कर लिया था बुरी तरह से. मेरे को एकदम सोच कर भी डर लगता था पानी में जाने से. इसलिए मैंने ऑल काइंड्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स मैंने अवॉइड करने शुरू कर दिए. वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. बहुत ज्यादा लोग जो है उसमें इंडल्ज होते हैं और इसलिए ये वाला जो डेप्रिवेशन था ये बहुत ज्यादा था फॉर विलियम डाउगलस. आज की क्लास के लिए अभी तक के लिए यहीं तक मैंने एक्सप्लेन करना है. बिफोर द टाइम रन्स आउट लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. दोज चिल्ड्रन हु सिंसियरली वांट टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ इंग्लिश उनको क्या करने की जरूरत है? उन बच्चों को लाउड रीडिंग रेगुलरली करने की जरूरत है. जितना पोर्शन मैंने डीप वाटर का एक्सप्लेन कर दिया मस्ट रीड इट लाउडली ट्वाइस, नॉट वंस, ट्वाइस.